नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस्लामिक देश सऊदी अरब में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं तो आप एकदम चौंक जाएंगे, आप उछल जाएंगे, लेकिन ये सच है दोस्तों। प्राचीन काल में एक समय ऐसा आया था, ऐसा मतलब ऐसे मान्यता है कि प्राचीन काल में एक ऐसा समय था जब पूरी धरती पर हिंदू धर्म था। प्राचीन भारत की सीमा अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर के श्रीलंका तक था। और ये भी कहा जाता है कि भारत की सीमा अरुणाचल से आगे इंडोनेशिया और मलेशिया तक फैली हुई थी। उस समय भारत पर 18 महाजनपदों के सम्राटों का राज्य था, जिसके तहत जनपद और उपजनपद थे। और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई है और पुराणों में इन 7 द्वीपों में जम्बूद्वीप को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और संपूर्ण जम्बूद्वीप पर हिंदू धर्म कायम था। अन्य धर्मों की अगर बात की जाए तो ईसाई और मुस्लिम धर्म की शुरुआत 1 शताब्दी के समय से या इसके बाद से मानी जाती है। वहीं सनातन धर्म हजारों वर्षों से किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आज के इस्लामिक अरब जगत में 1 शताब्दी से पूर्व यजीदी धर्म प्रचलित था। यजीदियों की गणना के अनुसार अरब में ये परंपरा करीब करीब 6763 वर्ष पुरानी है, यानी कि ईसा के 4748 वर्ष पूर्व यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों से पहले ये परंपरा चली आ रही है। यजीदी धर्म को हिंदू धर्म की एक शाखा माना जाता है। इसी से ये पता चलता है कि सनातन धर्म भिन्न रूपों में पूरी दुनिया में फैला हुआ था। इसके सबूत जब तब सामने आते रहते हैं। अब सऊदी अरब में 8000 साल पुराना मंदिर मिला है जो ये बताता है कि हिंदू सभ्यता हजारों वर्ष पहले आज के इस्लामिक देशों में फैली हुई थी। यही वजह है कि मक्का मस्जिद में शिव मंदिर होने की बात अक्सर उठती रहती है, हम और आप सब सुनते रहते हैं। इस्लामिक देश सऊदी अरब में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं और ये हम नहीं कह रहे हैं, सऊदी प्रेस एजेंसी की खबर कह रही है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के दक्षिण पश्चिम स्थित अल्फा में 8000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि कभी अल्फा के लोग मंदिर में आकर के पूजा आराधना करते थे। और सऊदी अरब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने खुदाई के दौरान करीब करीब 8000 वर्ष पुराने शहर की खोज कर ली है जिसमें प्राचीन मंदिर मिला है। पुरातत्वविदों ने ऐतिहासिक निष्कर्षों की खोज के लिए फोटोग्राफी, ड्रोन सर्वेक्षण, भू भौतिकीय सर्वेक्षण और लाइट डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह एक मंदिर मिलना सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। मंदिर के पास ही जांच के दौरान वेदी के अवशेष मिले हैं जिसको लेकर के पुरातत्वविदों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ रहने वाले लोग पूजा पाठ करने के अलावा धार्मिक अनुष्ठान भी किया करते थे। और यहाँ जो मानव बस्ती मिली है उनकी पूजा में काफ़ी गहरी आस्था रही होगी, ऐसा भी समझ में आ रहा है पूरी खोजबीन के बाद। और अरब न्यूज़ के मुताबिक इस मंदिर का हालांकि ज़्यादातर हिस्सा ख़त्म हो चुका है, 8000 साल कम नहीं होते हैं, लेकिन मंदिर के पत्थरों के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। वहीं तुवाइक पहाड़ों के किनारे पर एक वेदी का हिस्सा पाया गया है। इस मंदिर का उपयोग अल्फा शहर के
निवासियों द्वारा पूजा स्थल के रूप में किया जाता है। सऊदी अरब के नेतृत्व में कई देशों के पुरातत्वविदों की टीम ने साइट का व्यापक सर्वेक्षण किया। इसमें हाई क्वालिटी एरियल फोटोग्राफी, कंट्रोल पॉइंट के साथ ड्रोन फुटेज, रिमोट सेंसिंग, लेजर सेंसिंग और कई अन्य नए उपकरणों का इस्तेमाल किया। खोजे गए अवशेष नवपाषाण काल की मानव बस्तियों के बताए जा रहे हैं और बस्तियों के अवशेषों की खोज व्यापक जमीनी सर्वेक्षण कार्य है, पुरातत्व जांच के वितरण, लेजर स्कैनिंग और ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के उपयोग से की गई है। शहर में 2,807 मकबरे कब्रें भी मिली हैं जो अलग अलग काल की हैं। इन्हें 6 वर्गों में बांटा गया है। मैदानों में मिले शिलालेखों में एक में कहल नाम के देवता का भी उल्लेख है। सऊदी अरब की पुरातत्वविदों की टीम ने एक नई तकनीक की मदद से धार्मिक केंद्र का पता लगाया है। साथ ही साथ अल्फा साइट पर शोध के लिए कई और अवशेष मिले हैं। इन सभी साक्ष्यों को जमा करके रिसर्च के लिए भेजा गया है। सऊदी गेजेट के मुताबिक अल्फा का ये महत्वपूर्ण इलाका पुरातत्व विभाग के लोगों के लिए बीते 40 सालों से एक हॉटस्पॉट बना हुआ है और इस मंदिर के मिलने से ये पता चलता है कि यहाँ लोग पूजा पाठ में विश्वास करते थे। इस मंदिर के अलावा पुरातत्व टीम को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग सिंचाई के लिए कैसे कैसे तकनीक यूज़ करते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए क्या काम करते थे। फिलहाल इन सभी मामलों की रिसर्च हो रही है, जांच हो रही है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि यहाँ की सच्चाई क्या है और खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को इस साइट पर 2,807 बिखरे हुए मकबरे मिले हैं जिन्हें 6 समूहों में बांटा गया है जो दफनाने की अलग अलग समय की अवधि को बताते हैं। यहाँ पर एक धार्मिक शिलालेख भी मिला है जिनमें से एक प्राचीन देवता को संबोधित किया गया है। इस देवता का नाम पत्थर पे खल लिखा हुआ है। ये खोजें प्राचीन शहर अल्फा की धार्मिक प्रथाओं को गहराई से देखने और समझने की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके साथ ही केंद्रित सर्वेक्षण कार्य और रिमोट सेंसिंग सभियों ने कई कृषि क्षेत्रों का खुलासा किया है जो पुरातत्वविदों का मानना है कि प्राचीन शहर के निवासियों के लिए फसलों और खाद्य सुरक्षा के विकास में इनका योगदान रहा होगा। पुरातत्वविदों को यहाँ पर 4 स्मारकीय भवनों की नींव भी मिली है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इन खोजों ने सिंचाई प्रणाली की पहचान की है। इंसानों की जो बस्ती मिली है वहाँ पर सैकड़ों भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड जलाशय मिले हैं, यानी कि वहाँ पर पानी को जमा करके रखा जाता था और दैनिक कार्य के अलावा खेती के कार्यों में भी इस पानी का इस्तेमाल होता था। तुवा कई पर्वत के किनारे पर जो चट्टानों पर कई तस्वीरें मिली हैं जो उस वक्त की स्थिति और लड़ाइयों के साथ साथ दैनिक गतिविधियों के बारे में जानकारी देती हैं। वादी अल दवासेर और नजरान शहरों को जोड़ने वाली आधुनिक सड़क पर वाड़ी अल दवासर के दक्षिण में 100 किलोमीटर की दूरी पर ये खोज की गई है। अल्फा साइट की खुदाई और फील्ड वर्क सऊदी पुरातत्वविद डॉक्टर अब्दुल रहमान अल अंसारी के लीडरशिप में किंग साउद विश्वविद्यालय के प्रयासों से शुरू हुआ था जो पिछले 40 सालों से लगातार जारी है। इस जगह पर खुदाई के दौरान आवासीय क्षेत्र, बाजार, मंदिर और मकबरे मिले हैं जिन्हें प्रकाशित किए गए 7 अलग अलग खंडों में बनाया गया था। आयोग सऊदी इतिहास को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की उम्मीद में किंगडम में सांस्कृतिक विरासत स्थलों की खोज और सुरक्षा के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए हैं। इस्लाम का उदय 7वीं सदी के में अरब प्रायद्वीप में हुआ था, यानी कि इसका उद्भव जो है इस्लाम का 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में
मक्का में हुआ था, लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को आरंभ इस्लाम का आरंभ के रूप में देखा जाता है। अमेरिका, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्की, सीरिया, इराक, स्पेन, इंडोनेशिया, चीन आदि जगहों पर हिंदू धर्म के साक्ष्य मिले हैं और विद्वानों के अनुसार अरब की जजीदी सबाइन, सबा, कुरैश आदि कई जातियां प्राचीन समय में हिंदू धर्म को ही मानती थीं। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये सब जातियां जो हैं हिंदू धर्म को मानती थी। और मैक्सिको में एक खुदाई के दौरान गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन मूर्ति मिली थी। यहाँ तक के मैक्सिको का नाम भी संस्कृत के मक्षिका से बना है। इस तरह से स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिसमें विष्णु जी की प्रतिमा है। कुछ वर्ष पहले ही रूस के वोल्गा प्रांत में एक गांव में खुदाई में 10वीं शताब्दी की विष्णु की एक मूर्ति मिली थी। तो कुल मिला के ये जो मैंने आपको जानकारी दी है उससे ये बात तो साबित हो गई है कि ये जो मंदिर है 8000 साल पुराना सऊदी अरब में ये मंदिर मिला है, और इसके साथ ही हिंदू धर्म के होने के भी कई सारे वहाँ सबूत मिले हैं। अब आने वाले समय में ये भी पता चलेगा कि ये हिंदू धर्म का स्पैन कहाँ तक था। दोस्तों इस बारे में मुझे जब कोई और अपडेट मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।